प्रिंसिपल के जो खुद एक स्पोर्ट्स लवर है आज खुद यहां पे आ गए हैं और आपको बताते चले इन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट का इनका किया था। इनकी जो प्रमाइसेस है वहां पे भी इनके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड इसके इनके प्रमाइसेस में होना इस बात का वाहिद जो सबूत है कि ये खुद स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिलहाल शौकत हुसैन खान इनका हम खैर मकदम करेंगे। सर आपका खैर मकदम। थैंक यू जी। तो सर आप यहाँ पे आज खुद आए हैं, तो इन जो छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं निफ ने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या कहेंगे निफ के हवाले से और इस गेम के हवाले से? पहली बात तो मैं निफ को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको पता है कि आपने पहले ही बता दिया, हम सच में बहुत ज्यादा अटैच है विद द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जहाँ भी कहीं नुक्कड़ में हो, चाहे कहीं भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे मैं पहुँचूँ चाहे नहीं, बट जब भी मैं वॉच करता हूँ मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और मैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कंटिन्यू इट फॉर द यूथ। सो मैं चाहता हूँ कि ताकि बच्चे खेलते रहे कूदते रहे, बच्चे तो ऐसे ही खुश रहते हैं व्हेन दे आर इन द फील्ड दे आर प्लेइंग, तो इसमें बहुत ही सुकून महसूस होता है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप जिनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ये यहाँ पे आके अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज रहेगी आप? इनके लिए ये मैसेज है कि दे शुड ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड, हमेशा हारना जीतना तो सर ये चलता रहता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। एक को हार है एक को जीत है, बट दे हैव टू जस्ट टेक इट एज ए गेम, गेम की तरह लेकर और इसको पुरजोर। आई वॉन्ट माई कश्मीरी पीपल टू जस्ट रॉक इन द इंटरनेशनल। ये कहा, ये तो स्टार्टिंग हो गई। मैं तो आप सबको इवन यू ऑल्सो कम इस सर्दी में आकर इनके साथ बैठ कर ऑल द टाइम्स, तो ये कहीं ना कहीं तो हम इसके साथ जा रहे हैं कि ये जो कल का ये बच्चा है he can, I want him to represent the country. ये हमारा पैगाम है कि they should take the any game, they should take very seriously, play with zeal, interest, मेहनत से, लगन से। नो डाउट फैसिलिटीज की यहाँ सर कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। छोटा सा किस्सा सुना दूं अगर टाइम, मैं अक्सर ट्रेवल करता रहता हूँ तो मैं करीम के पास दहली में खाना खा रहा था, तो मैंने अपने बिकॉज आई हैव लव विद कश्मीरी पीपल, कश्मीरी कल्चर, बीइंग अ कश्मीरी ये तो बट नेचुरल कोई नई बात नहीं, तो मैंने कश्मीरी बच्चों को देखा, मैंने कहा यार आप क्या करोगे द बैट? बोला सर हम यहाँ खेलने आ रहे हैं टर्फ पे। मैंने कहा यार हमारी दिस इज 5 years बिफोर, हमारे यहाँ नहीं। बोला सर नहीं है, जो भी है इट इज नॉट मेंटेन्ड, तो वी हैव टू कम हियर दिल्ली। मैंने कहा खर्चा कितना लगता है? बोला सर हम 5-5, 6-6 लोग एक कमरे में बैठकर 20 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, 25 दिन ऑलमोस्ट 10-15 हजार हम खर्चा कर लेते, बहुत मुश्किल से। बोला सर ये करीम तो आज मिला हमें, हमने कंट्रीब्यूट करके मैनेज करके करीम के पास, अदरवाइज बस दाल रोटी खाकर एक कमरे में 10-10। दिस स्ट्राइक माय माइंड, मैंने कहा या अल्लाह हमारे पास मतलब दिस इज नॉट गुड। तो उस जिस दिन मैंने स्कूल खोला, सच बोलता हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, मैं दिल से बोल रहा हूँ व्हाटएवर आई स्पीक आई स्पीक फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, तो जब मैंने स्कूल खोला तो पहली बात यही रही आई स्टार्टेड सर्चिंग कि यहाँ के लिए मैं कैसे इनको टर्फ, ये जो ग्राउंड है उसको यूटिलिटी चाहिए। मैं तो आपके इस वसादत से जितने भी यहाँ लोग हैं, जित स्कूल है, कॉलेजेस है, ग्राउंड्स को यूटिलाइज करो यार, ऐसी बस बाग की तरह ना रखो, इट शुड बी यूटिलाइज। तो मैंने फिर आई कनेक्टेड विद एम एस धोनी, तो फाइनली तो इसी साल पूरा कोविड में दुनिया बैठी थी सर, हर एक चीज कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, बट आई मैनेज टू हैव अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एम एस धोनी क्रिकेट अकेडमी इन माई स्कूल। तो उससे क्या हुआ, पुलवामा से हमारे बच्चे आते हैं इतने खुश, व्हेन आई सी द स्माइल इन देयर फेस यार एक आराम की नींद आती। तो उससे क्या होगा सर, देखिए एक तो होगा हमारे बचपन में हम खेला करते थे, मैंने भी क्रिकेट खेला, ये नहीं पता यार ये टर्फ क्या होती है वो। तो जब मेरे कुछ क्रिकेटर दोस्त थे वो जब बाहर गए वो वहां फेल हो गए, यहाँ तो बहुत अच्छा खेलते, देन आई टॉक टू देम यार क्या हो गया वहां। बोला सर ऐसा हुआ कि स्पिन का पता नहीं चलता है, बाउंस का बॉल लेती है हमें पता, बिकॉज वी आर नॉट यूज ऑफ द टर्फ। तो वो टर्फ अगर यहाँ दिया जाए तो जब ये नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे बच्चे, दे विल बी इन द देखो सर एक एक सिस्टम में जाएंगे ना, दे विल गो यहाँ से सीख कर सेकेंड लेवल, दे कैन रिप्रेजेंट कंट्री, दैट्स नॉट अ बिग, बट दे शुड हैव अ प्रॉपर रेबरी, एक सिस्टम, कहाँ से जाना है, कहाँ से शुरुआत कैसे करती है, सीखना कैसे। सो दैट आई हैव डन, और 100 से ज्यादा बच्चों को हम अभी तरबियत देते हैं वहाँ अकेडमी में, सुबह शाम टॉप कोचेस हमने लाए एम एस धोनी के टॉप कोचेस वहाँ उनको सिखा रहे हैं, हर एक चीज फैसिलिटी है। और जो कोचेज है सर, मैं एक चीज बोलूँ, वो बोल रहे सर हमने
बहुत जगह कोचिंग की हुई है, बट जो आपका लेवल है स्टूडेंट्स का, दैट इज लाजवाब। तो उनको खाली टैलेंट है, इनको बस नर्चर करना है, इनको संवारना है, श्रृंगार करना है, श्रृंगार की जरूरत है बस। सो थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के। इनका कहना था कि जो यहाँ के यूथ है उनका टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस उसको निखारने की जरूरत है। दैट इज वाई कि हमने यहाँ पे अपने स्कूल में दो दून इंटरनेशनल स्कूल में जो दोनी अकेडमी है उसका आगाज किया है। यहाँ पे 100 से ज्यादा जो तलबा है उनको ट्रेन किया जाता है, बेस्ट कोचेज इनके पास है और ये स्पोर्ट्स लवर है। दैट इज वाई कि इन्होंने अपने जो स्कूल प्रोवाइसेज है वहाँ पे एक ग्राउंड यहाँ पे इनके पास बहुत बड़ा है और यहाँ पे इन्होंने अकेडमी भी खोली है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ट्रेन किया जाता है। फिलहाल शेख हुसैन खान हमारे साथ जुड़ चुके थे जो चेयरमैन है दून इंटरनेशनल स्कूल के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे।